आखिरकार दोस्तों हम लोग इस फैक्ट्री से निकल गए, कंप्लीट हो गया हमारा गाड़ी, कंप्लीट हो गया पूरा त्रिपाल उरपाल सब हो गया है, लेकिन अभी वापस फिर आना पड़ेगा एक बार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह का अभी 10 बज गया है, अभी नहा धोवा फ्रेश हो गए हम लोग, और दोस्तों अभी आज तो मेरा गाड़ी निकल जाएगा, किसी हालत में निकल जाएगा, आज तो 101% है। आज रात में लोग रुकेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि ऊपर का माल छोटा छोटा रहता है, वही माल बाकी है देने के लिए, तो वो माल लोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं कितना माल लोड हुआ, कितना बाकी है। देख सकते हैं दोस्तों इतना माल लोड हो गया अपना, मतलब जो बड़ा वाला माल था वो पूरा फुल हो चुका है, और जो अब बस छोटा वाला माल बचा है वो भी छोटा वाला माल आधा हो चुका है, लेकिन अभी बनने के लिए गया है, इधर माल बन के रेडी नहीं है, इसलिए टाइम लगेगा करीब और 3 घंटे के आसपास तो गाड़ी अपना पूरा लोड हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों अब इंतज़ार करते हैं, आज तो एकदम पक्का कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों आज का हमारा दोपहर का खाना है अंडा कड़ी और चावल, तो चले हम अंडा का सब्ज़ी बनाने के लिए। अंडा और आलू है, आलू भी देखिए उबाला हुआ है, अंडा उबाल के रखे हैं, ये आलू उबाल रखे हैं, अंडा भी। और हमारे बैचलर भाई को कह दे कि अंडा जब भी बनाए तो ऐसे करके इसको छेदा ज़रूर कर दे, या चाकू से या तिनका से, इसको तलने के बाद क्या ना कि ब्लास्ट नहीं करता है, कई बार ब्लास्ट भी कर जाता है तो गरम तेल वगैरह सब शरीर में लग जाएगा, तो इसलिए अंडा को ज़रूर ऐसे ऐसे कर दें, उससे क्या है कि ये कई बार ब्लास्ट कर जाता है, वो ब्लास्ट नहीं करेगा। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, और तेल मछली हो या अंडा बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए तेल, नहीं तो चिपक जाएगा फिर उसमें। तो देखिए तेल मेरा धुआं दे रहा है अंदर से, तेल गर्म हो चुका है, चलिए अंडा डाल लें। दोस्तों अंडा डालने के बाद हम लोग अपना सेपरेट के लिए थाली को सामने रख लेते हैं, कई बार ब्लास्ट करता भी है, छोटा मोटा ऐसे छेदा कर दिए है, इतना बड़ा नहीं करेगा, क्योंकि तेल छिड़कता है कई बार, तो इस टाइप का हम लोग सपोर्ट कर लेते हैं कि कहीं तेल इधर ना आए, तो ब्लास्ट कर रहा है, छोटा मोटा करता है ऐसे, और छेदा अगर नहीं कीजिएगा अंडा में तो भयानक ब्लास्ट कर सकता है। ये देखिए जैसे भी फूट रहा है अभी, तो ये अपना सुरक्षा के लिए है कि गर्म तेल शरीर में ना पड़े। दोस्तों आप लोगों का कई बार कमेंट आया रोहित के विषय में कि रोहित के विषय में कुछ बताइए करके, तो वो तो अभी घर गया हुआ है, तो एक दो बार फोटो भेजा है, वो कहीं गया था घूमने उमने, उसका फोटो देखे हम, फिर हम फोन लगाए 2-3 बार, तो अभी उसका जवाब नहीं दिया है, वो अभी कहाँ है क्या है हमको भी नहीं पता, क्योंकि बात नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सअप में ऐसे फ़ोटो वगैरह भेज दिया था, पिकनिक गया था या कहीं गया था वो लोग, तो अब उससे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। तो कई बार ट्राई किए हैं लगाने, फ़ोन लगाए हैं, तो ऐसे भी वो अभी गया हुआ है, तो अपना लाइसेंस का कागज़ के लिए कुछ का दौड़ धूप कर रहा है, तो हम भी अभी उसको पता क्लियर हमसे बात नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ तक उसका काम हुआ ये बताया नहीं, फ़ोन ही रिसीव किया तो फिर कैसे बताएगा वो। दोस्तों अंडा मेरा हो चुका है, तल के निकाल लिए हैं, अब चले इसका तरी बनाने के लिए। तरी बनाने के लिए तो ये सब डाल दे रहे हैं, अभी अपने पास अदरक नहीं है, अदरक ख़त्म हो गया, इसलिए लहसुन प्याज मिर्चा दो ही चीज़ है। अब क्या है ना कि 2-3 दिन यहाँ ज़्यादा दिन खड़ा रह गए ना, मेरा गैस भी जवाब दे रहा, अब यहाँ से निकलना आज ज़रूरी है, जैसे आज तो खैर हो ही जाएगा, थोड़े सा माल बचा हुआ है, आदमी आ गया है, कम माल तैयार भी कर रहा है, क्योंकि गैस भी मेरा जवाब दे रहा है, अब अगर 2-3 दिन का और लफड़ा रहेगा तो मेरा गैस ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों प्याज मिर्चा डाल दे रहे हैं, ये देखिए दोस्तों अभी आलू डाल दिए इसमें, आलू को भी साथ में थोड़ा भूनते हैं, प्याज मेरा लाल हो ही चुका था, अब आलू भी डाल दिए हैं, दोनों को साथ में भून रहे हैं अभी, थोड़ा तेल का अंश आलू में लग जाने से, भुंजाने से थोड़ा टेस्ट में चेंज आ जाता है, आलू से ज़्यादा टूटता भी नहीं है। दोस्तों अभी मेरा आलू मेरा भून चुका है, अब चले इसमें थोड़ा मसाला डालते हैं, थोड़ा धनिया, थोड़ा सब्जी मसाला मिक्स वाला है, ये तो लाल मिर्च ही है, थोड़ा हल्दी, थोड़ा जीरा गोल की भुका हुआ है, थोड़ा पानी डाल देते हैं, पानी में मसाला को भूनते हैं, तेल तो उतना रहता नहीं कि तेल मारी भून ले, ऐसे भी ज़्यादा तेल खाते नहीं हम लोग। ये देखिए मसाला को इसमें मसाला पूरा भुजा जाएगा, इसको आलू दम का भी रंग ले लेगा, ये
अगर इसको अंडा ना डाले तो आलू दम भी बना सकते हैं। दोस्तों टमाटर डालने के बाद अब ये नमक, जितना आदमी तेज खाता है कम खाता है अलग बात है, अपने हिसाब से ये डाल देते हैं इसमें। दोस्तों हमारा तरी देखिए बन चुका है, पूरा मसाला को भून के अच्छी तरह से, और अब चले इसमें अंडा डालने। देख सकते हैं अंडा, अभी इसलिए डाल दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत मसाला, और अंडा को छेदा भी किए थे आप लोग देखे थे तो उसमें भी मसाला चला जाता है, और थोड़ा आज फिर धनिया पत्ता का कमी रह गया, कभी इतना ज़्यादा रहता है कि धनिया पत्ता फेंका जाता है, कभी धनिया पत्ता नहीं रहता है, धनिया पत्ता रहता तो थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाता, कोई बात नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों अब डबकेगा मतलब खोलेगा ये तो उसको उतार देंगे। दोस्तों दोपहर का 1 बज गया है और हम लोग भी चले खाना खाने के लिए, और लेबर लोग का भी लंच हो गया है, तो जैसे जैसे माल तैयार हो रहा है लोड कर रहा है, तो खाना ना खाते के बाद अपना भी गाड़ी हो ही जाएगा, फिर हम रस्सा तिपाल करेंगे फिर निकल जाएंगे, बाकी अपना कागज़ वगैरह सब आ चुका है। ठीक है दोस्तों खाना खाने चले। दोस्तों शाम के 4 बज गया और अभी जाकर मेरा माल कंप्लीट हुआ है, अब जा रहे हैं अपना काम करने, रस्सा तिरपाल जो है अब जा रहे दोस्तों इस पे तिरपाल लगाने के लिए। तो ये ब्लू वाला पहले लगता है, उसके बाद व्हाइट वाला लगेगा, क्योंकि ब्लू वाला थोड़ा छोटा साइज का है, ये आधा ही जाता है। ब्लू वाला तिरपाल पूरा लगा चुका है दोस्तों, पूरा अच्छे से लग गया, ये देख सकते हैं। अब चले व्हाइट वाला लगाने। दोस्तों तिरपाल वैसा तो हो गया अपना पूरा कंप्लीट, लोडिंग करते करते 5 बज गया अभी, अब चले काफ़ी दिन रुक लिए यहाँ पे, बहुत मेहमानी कर लिए, और चले दोस्तों। अब ये गार्ड साहब है, गार्ड साहब मेरा चलान वगैरह दो। 3-4 दिन हो गए इधर रिपोर्टबिलिटी दे रहा हूँ, अभी जा रहे हैं। कितना दिन रुक गए यहाँ? 4 दिन रुक गए। 4-5 दिन हो ही गया, 4-5 दिन हो गए, इसी बार लेट हुआ है, पहले तो कभी हुआ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों अब चले, अपना सारा कागज़ वगैरह मिल चुका है, गाड़ी भी तिरपाल सा करके ओके है। आखिरकार दोस्तों हम लोग इस फैक्ट्री से निकल गए, कंप्लीट हो गया हमारा गाड़ी, कंप्लीट हो गया पूरा तिरपाल उरपाल सब हो गया है, लेकिन अभी वापस फिर आना पड़ेगा एक बार, क्योंकि काटा करना है, काटा करने के बाद फिर मतलब एक्चुअल वजन मिलेगा ना कितना माल आया अपने। अभी जा रहे लोड गाड़ी काटा करेंगे, तो कंपनी में एक पर्ची जमा देना पड़ता है, एक पर्ची रहेगा कंपनी में, एक पर्ची रहेगा हमारा पास। अच्छा ये वाला जो माल है ये मतलब पीस के हिसाब से होता है कि वजन के हिसाब से? हमको भाड़ा मिलेगा वजन के हिसाब से, 20 तो अपना उसका पैकेट है अपना किया हुआ है, और कंपनी के जहाँ दे रहा है वहाँ पीस के हिसाब से दे रहा है कि 600 पीस कंपनी को दिए। अब 600 पीस का वजन कितना आएगा हमको वजन का, हमको वजन का भाड़ा से मतलब है, हमको पीस से मतलब नहीं है। हाँ और 50 रुपये लो। लो की दो, तुम दो। तो लो लो बोल रहे हैं 50 रुपये लो। 34 टन 850, 14 टन 880 लेस करके ये हो गया मेरा फाइनल कांटा। अब चले एक पर्ची जमा कर देंगे कंपनी में। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी वहाँ से चलने के बाद हम लोग यहाँ रुके हैं, तो अभी यहाँ रुके हैं डीजल लेने के लिए, यहाँ से डीजल लेने के बाद फिर अभी हम लोग को चलते रहना है, अभी रुकना नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा देर वहाँ रुक गए तो अब चलते ही रहना है थोड़ा। ये देख सकते हैं दोस्तों यही पंप है, यहीं पर हम लोग हमेशा तेल लेते हैं, और ये रहा अपना गाड़ी यहाँ खड़ा है। दोस्तों शाम के समय जहाँ पर हम लोग डीजल लेते हैं वहाँ आ गए, ये देखिए सामने पेट्रोल पंप है, और कुछ नाश्ता में वड़ा पाव मंगाया है, वड़ा पाव ये देखिए मिर्ची के साथ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को चटनी नहीं मिलता है, मतलब झारखंड में हम लोग कुछ भी खाए, समोसा खाए या फिर जो कुछ भी खाए उसमें हम लोग को चटनी मिलता है, तो चटनी खा के थोड़ा आदत है। सॉस रहता है साइड में अगर ले सकते हैं, लेकिन अब पार्सल लेकर आए तो सॉस नहीं दिया है, यही मिर्ची है, और ये मिर्ची भी अच्छा लगता है, ज़्यादा तीखा रहता नहीं तेल में तला हुआ। दोस्तों आ गए तेल लेने के लिए, ये अपना खाना चलता है आप जानते भी है,
तो आपका नाम क्या है? श्री सिद्धनाथ ऑटोमोबाइल सिरडोन। सिरडोन में ना, जगह नाम सिरडोन है? सिरडोन। सिरडोन यहीं पर तेल लेते हैं हमेशा, आप लोग भी देखे हैं, अपना नापी वगैरह सब सही है, रात में रुकने का भी जगह अच्छा, पार्किंग है, और पंप के पीछे में ही सेठ का घर है, कोई बात होता तो सेठ भी तुरंत आ जाता है। ठीक दोस्तों, अभी तेल लेते हैं, फूल कराते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी दोस्तों रात को 11 बज गया है, और वहाँ से तेल लेने के बाद निकले थे, तो तुलजापुर के आसपास आ गए हैं। तुलजापुर अभी 15-20 किलोमीटर है। ये सिद्धार्थ जी का ढाबा है, पहले भी देखे होंगे, यहाँ रुके हम लोग, खाना वाना अच्छा मिलता है, पार्किंग भी देखिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा पार्किंग है, और गार्ड भी है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ चले खाना खाने के लिए होटल में, खाना खा खा के यहीं सोएंगे, यहाँ से फिर 4-5 बजे सुबह उठेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। ये दोस्तों मैं रात का खाना यही है, दाल हमारे हैं, दाल ऑर्डर दिए थे, दिन में मसाला हो गया था तो रात में थोड़ा सादा ही खाते हैं, ये तड़का दाल है। दोस्तों खाना तो खा के आ गए ढाबा से, रात के 12 ही बज चुका है, तब चले यहाँ आराम करने, हम जा रहे सोने, सुबह अपना 4-5 बजे उठ के फिर चलेंगे, देखते हैं कल दिन भर में कितना किलोमीटर सफ़र कटता है। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।